वो काग कौन सा? हेलो, हाँ फिर से बोलो। एक्चुअली यहाँ पे दिस मिसिंग मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड समथिंग की तरह लीव मीटिंग व्हाट इट क्या क्या कुछ दिखा रहा है, क्या करूँ? कुछ मत करो आप। व्हाट इट ओके ओके। हेलो भैया, एक क्वेश्चन था, द लोकल मैक्सिमम फंक्शन, वो क्वेश्चन था ना, या हाँ इक्वेशन ऑफ ओटर? पहले जो 10 नंबर है वो हो गया सबका सॉल्व? कोई आंसर बोलो मुझे, 10 नंबर का क्या आ रहा है? ये आएगा ए एयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन वाला। ए आ रहा है बहुत लोगों का। ठीक है, सही आंसर। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई और एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई। तो एक्स इक्वल टू वाई क्या हो गया आपका, ये वाला लाइन, सॉरी। दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन एंड दिस इज वाई इक्वल टू माइनस एक्स लाइन। दिस इज पेयर ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो ऑप्शन क्या हो गया सही आपका? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 14। जो लोग जिसको कंफ्यूजन एक्स है आप इक्वल्स दोबारा, टू आया है, 14 का कितना आंसर आया? 14 का टू आया है, टू। ओके, समवन इज गेटिंग ए एज द आंसर। दो तीन और लोग करो जल्दी से, 2 more minutes। जिसको डाउट है वो पूछ लेना अगर किसी सॉल्यूशन में डाउट आता है। एक्स ओके, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जो लोग नहीं कर पा रहे वो लोग देखो, आपको क्या करना है, मैक्सिमा निकालना है। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमा कैसे निकालते हैं? फंक्शन को डिफरेंशिएट करके। पहले क्या करेंगे हम, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कैसे करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शंस हैं, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो हम पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दूसरे को एज इट इज रखेंगे, फिर दूसरे को करेंगे पहले वैल्यू रखेंगे। तो ये अगर मैंने मान लो कि एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया तो 2x हो गया, यहाँ पे e-x वैसे ही रह गया। फिर प्लस किया, एक्स स्क्वायर को वैसे ही रहने दिया, e-x को डिफरेंशिएट किया तो -e-x। दिस इज इक्वल टू 2x e-x -x2e-x है। उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम इसको जो है इक्वलाइज करेंगे 0 के। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ से? आप क्या करो, आप यहाँ से एक्स को कॉमन कर लो, टू सॉरी टू कॉमन नहीं, एक्स को कॉमन कर लो,
ई टू द पावर माइनस एक्स को कॉमन कर लो, और यहाँ पे आ रहा है टू माइनस एक्स, इसको जीरो के इक्वलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ से एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू टू, दिस फंक्शन विल नेवर अप्रोच जीरो। तो या तो ये जीरो होगा या तो ये वाला टर्म जीरो होगा, एक्स इक्वल टू जीरो इक्वल टू, तो इन दोनों में से कोई एक जो है आंसर होगा, वही आपको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे मैक्सिमा के लिए, तो अपना तरीका यूज करो आप जो भी जानते हो, बट द बेस्ट मैथ बेस्ट मेथड इज कि आप डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालो, ठीक है, और वहाँ पे जो है इसमें x इक्वल टू उसको जो है आप इसमें दोनों पॉइंट्स पुट करके देखना, तो क्या होता है मैक्सिमा के लिए, कोई कंडीशन बताओ। और तो d2y dx स्क्वायर नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये होता है मैक्सिमा का कंडीशन, और ये होता है मिनिमा का कंडीशन जो अगर ग्रेटर देन जीरो हुआ तो। तो आप इसको चेक कर लेना डिफरेंशिएट करके, द आंसर इज ए, बट ये वाला स्टेप क्रूशियल है, ये आपका एक्सरसाइज हो गया, आप यहाँ पे घर पे इसको फिनिश कर लेना इस क्लास के बाद। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बहुत सारे लोगों का भी क्या जो बोले ना, बोल रहे हैं कि x into e to the minus x, 2 minus x equal to 0, तो यहाँ पर क्या बोले x equal to 0 क्यों नहीं लेंगे? x equal to 0 लेंगे, देखो यहाँ पे आपको 0 से इक्वलाइज करो, यहाँ पे तीन फैक्टर्स हैं, एक ये फंक्शन, एक ये फंक्शन है, एक एक्सप्रेशन है, एक ये है और एक ये है, तीन एक्सप्रेशन है ना, तीनों को, तो तीनों को 0 से इक्वलाइज कर सकते हैं हम लोग, एक बार ये 0 हो सकता है, एक बार ये 0 हो सकता है, एक बार ये 0 हो सकता है, तो x equal to 0 तो हो सकता है और x equal to 2 तो हो सकता है, बट दिस फंक्शन विल नेवर अप्रोच 0। आप एक बार ई टू पावर माइनस एक्स का कर्व चेक करना, तो ये कभी जीरो को अप्रोच करेगा ही नहीं, ई टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू जीरो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। दैट्स व्हाई वी हैव ओनली टू पॉइंट्स फ्रॉम हियर, एक्स इक्वल टू जीरो एंड एक्स इक्वल टू टू, और इन दोनों को आप डबल डिफरेंशिएट करके फंक्शन को एक बार पुट कर लेना। सब यहाँ पे डबल डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, कोई किसी को डाउट तो नहीं है? नहीं भाई, आप समझ आ गया। अगर किसी को डबल डिफरेंशिएशन में डाउट है तो बताओ, क्लियर है ना? आगे बढ़े फिर हम लोग। देखो यहाँ पे एक अप्रोच ये भी होता है, कई बार काम कर जाता है ये कि आप दोनों पॉइंट्स यहीं से निकाल के फंक्शन में पुट करके देखते हो कहाँ पे वो फंक्शन की वैल्यू ज्यादा आ रही है कम आ रही, बट बहुत सारी जगह पे गलती भी हो जाती है। तो ऑलवेज आप सेफ रहोगे इससे, अगर आप जाओगे तो डबल डिफरेंशिएट करके अगर आप चीजों को करोगे और मैक्सिमम इनवर्स चेक करोगे, तो हमेशा आप सेफ रहोगे। If you don't want to lose marks, then always do this. Next question is question number 24. आप determinant निकालो इसका. 2 minutes only. -1, -1. All right. -1. ऑप्शन बी, यानी कि तुम्हारे कहने का मतलब है 24 का ऑप्शन बी सही है। कुछ और लोग भी करो इसको प्रैक्टिस और मुझे आंसर बताओ। जीरो सर। ऑप्शन सी। और कोई लोग हैं? जीरो। या सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। इसको निकालने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए मुझे, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ, किसी को प्रॉब्लम है तो। जीरो आंसर। या जीरो आंसर है। तो कैसे करते हैं हम, अगर किसी भी डिटरमिनेंट को देखें, अगर किसी को अगर यहाँ पे नहीं आ रहा है तो उसके लिए, तो पोजीशंस पे इस तरह साइन मार्क कर सकते हो आप,
और किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग हम किसी डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो हम जनरली क्या करते हैं, इसके अलोंग एक्सपेंड करते हैं इस रो के अलोंग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब इस वाले से कंपेयर करो अपने क्वेश्चन से, दिस विल बी वन। अब इस रो को और इस कॉलम को हाइड कर लेंगे हम, तो ये वाला पार्ट बचेगा, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इससे सॉल्व कर लेंगे अब, तो वन इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, फाइव सिक्स एट नाइन, फिर यहाँ पे साइन माइनस है तो माइनस का यहाँ पे दे दोगे आप, माइनस टू इंटू फोर सिक्स सेवन नाइन एंड प्लस थ्री इंटू फोर फाइव सेवन एट, इसको आप सॉल्व कर लो, नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव, एट सिक्स जा फोर्टी एट, सो ये क्या हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका थ्री इंटू थर्टी टू माइनस थर्टी फाइव, इसको आप सॉल्व करो, ये जीरो आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव करो, टू मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फाइव। ऑप्शन ए वन बाय टू, ऑप्शन ए वन बाय टू, ऑप्शन ए वन बाई टू। देखो जनरली क्या होता है कि एग्जामिनेशंस में, इस तरह के एग्जामिनेशंस में जहाँ पे वो मैथ का नहीं केमिस्ट्री का एग्जाम ले रहे हैं, तो आपको लिमिट वगैरह का क्वेश्चन जो है जनरली वो एल हॉस्पिटल रूल से ही देंगे, या फिर ऐसा क्वेश्चन देंगे जो आप सिंपल फॉर्मूले से सॉल्व कर पाओ, वो कोई भी कॉम्प्लिकेटेड लिमिट निकालने वाला क्वेश्चन आपको नहीं देने वाले हैं। तो जिन लोगों ने ऑप्शन ए बताया उन लोगों ने किस तरह से किया है इसको, क्या आपने एल हॉस्पिटल रूल लगाया है या फिर कुछ और किया है? हाँ भैया, एल हॉस्पिटल रूल लगाया, एल हॉस्पिटल रूल। तो जनरली आप ध्यान रखना, एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है किसी ना किसी तरीके से वो एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो जाता है, ऑलवेज रिमेम्बर दैट। तो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे एल हॉस्पिटल से, लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो, आप जब भी एग्जाम में लिमिट का क्वेश्चन देखो इस तरह के, तो पहले एल हॉस्पिटल से सोच के देखो, अगर जीरो बाय जीरो फॉर्म है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो वो क्या होगा, एल हॉस लग जाता है वहां पे। तो आप इसको कैसे करोगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो जैसे ही ये कॉस एक्स बन जाएगा यहाँ पे, ये जो है जीरो बाय जीरो वाला फॉर्म खत्म हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स, है ना। तो अब यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे x इक्वल टू जीरो पुट कर दो, तो cos जीरो की वैल्यू वन हो गई, ई टू द पावर जीरो क्या होता है, वन होता है, ई टू द पावर माइनस जीरो भी क्या होता है, वन होता है, तो वन बाय वन प्लस वन इज इक्वल टू वन बाय टू। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए। सॉरी, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन इंटीग्रेशन प्रॉब्लम, क्वेश्चन 28 करो फिर। क्वेश्चन नंबर 28,
व्हाट इज द आंसर, किसी ने कर लिया? ऑप्शन बी. ऑप्शन बी. और कोई? सॉरी सॉरी सॉरी, ऑप्शन सी. ऑप्शन सी. अब भैया एक्चुअली बाईपास कर रहा हूँ, एक्चुअली फॉर्मूला थोड़ा भूल गया, लेकिन लास्ट में जो बाईपास कर रहा उसका वो जो आई मैंने 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 इमेजिन किया था, आई इक्वल्स टू जो इंटीग्रेशन था वो रिटर्न आ रहा है, तो बाई टू से आंसर आ रहा है ई टू दी पास, तो ऑप्शन सी लग रहा है. हाँ भैया ऑप्शन सी. ओके और कोई? ऑप्शन सी आ रहा है. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. तो आप में से इसमें प्रॉब्लम ये कि आप में से बहुत लोगों को मे बी बाई पार्ट्स का फॉर्मूला याद हो, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का. ये कॉन्सेप्ट तो यही है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स. तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ये फॉर्मूला याद हो, बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला याद ना हो. तो जिनको फॉर्मूला नहीं याद है वो इस तरह के क्वेश्चन में, या फिर कई बार ऐसा होता है कि इंटीग्रल बहुत टफ आ जाता है. तो अगर ये इंटीग्रल इनडेफिनिट इंटीग्रल है, मतलब कोई बाउंड्री वैल्यूज नहीं दी गई हैं, डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है, तो आप जो है बहुत ही सेफली आप क्या कर सकते हो, आप डिफ्रेंशिएट करके इनको देख सकते हो, है ना, एक्सप्रेशंस को. और देखो अगर इंटीग्रल दोबारा मिल रहा है तो आप वहां से ऑप्शन लगा सकते हो. एग्जामिनेशन में ये सब सोचने वाला टाइम नहीं होता है कि आप बाई फार्मूला कर रहे हो या किसी तरह आंसर को अप्रोच कर रहे हो. ठीक है, तो कितने लोगों ने यहाँ पे बाई पार्ट का फॉर्मूला यूज किया, कितने लोगों ने यहाँ पे जो है इसको डायरेक्टली किया डिफरेंशिएट करके? देखो नो आंसर. पहले ऑप्शन डी को देखो. ऑप्शन डी तो ऐसे ही मतलब आप इसको डिस्कार्ड कर सकते हो, क्योंकि अगर आप साइन एक्स को डिफरेंशिएट करो तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, और ये कभी भी आई आपको नहीं मिलेगा. ई टू द पावर एक्स डी एक्स कॉस एक्स डी एक्स सॉरी ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स डी एक्स, तो ये कभी भी आपको ऐसे नहीं. तो ऑप्शन डी तो कभी भी नहीं हो सकता. इस ऑप्शन को देखो, ये ऑप्शन भी कभी आपको नहीं मिलेगा. यहाँ से भी आप देखोगे तो यहाँ से आपको जो है ना एक एक यहाँ से आपको दो टर्म मिलेंगे, यहाँ पे सिंगल टर्म दिया गया है. तो आप जो है ना या तो बाई पार्ट्स का फॉर्मूला यूज करो. बाई पार्ट्स के फॉर्मूला में ध्यान रखना है आपको कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये यूज करना है कि फर्स्ट फंक्शन कौन रखते हैं, सेकेंड फंक्शन कौन रखते हैं. इस टर्म से आप जो है ना इलेट से आप रख सकते हो. इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन. जो पहले आ रहा है वो आप फंक्शन वन रखो, जो बाद में आ रहा है उसको फंक्शन टू रखो, और उसके बाद जो है बाई पार्ट के फॉर्मूला में आप इसको पुट करो और यहाँ से आप आंसर निकालो. बट अगर आपको बाई पार्ट का फॉर्मूला याद नहीं है, देन यू शुड गो थ्रू व्हाट, यू शुड गो थ्रू द इनवर्स अप्रोच, लाइक डिफरेंशिएट एंड गेट द आंसर. इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में आप ये कर सकते हो. डेफिनिट इंटीग्रल में एक कॉन्स्टेंट वैल्यू होती है आंसर की, तो आप वहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट ट्राई नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो. हाँ भैया. हाँ तो आप जो है ना, आपका ये फिर टास्क रह गया, आप मैं ये पीपीटी शेयर कर दूंगा, ये वाला जो फाइल है शेयर कर दूंगा. आप लोग जो है इस क्वेश्चन को बाय पार्ट से कंप्लीट करोगे. कुछ भी नहीं है, फर्स्ट फंक्शन किसे रखना है, सेकंड फंक्शन किसे रखना है, हमें वो देखना है. ठीक है, रिवीजन के लिए मैं ये बता देता हूँ यहाँ पे. हाँ बोलो. रिवर्स कैसे करेंगे, कैसे बोले आप आंसर से क्वेश्चन का कैसे निकालेंगे? देखो इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्या है. देखो अगर आपके पास कोई एक
कर्व दिया गया है, तो आप इस फंक्शन का इंटीग्रेशन मतलब होता है कि आपको इसके कर्व के अंडर का एरिया निकालना है ना? एरिया अंडर कर्व। हम ये कैसे निकालते हैं? हम एक स्लाइस यहाँ पे कंसीडर करते हैं, इसका लेंथ हम लोग बोल देते हैं dx, और इस dx को हम क्या करते हैं, बहुत ही छोटा कर देते हैं, और ये जो इंटीग्रल होता है ये सारे यहाँ से वैल्यू से लेके x1 से लेके मान लो यहाँ पे xn है, तो ये सारे वैल्यू से जो है ना आप इसको ऐड करते हो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको y dx, और ये जो आता है वो आपका इंटीग्रेशन होता है। आपको इंटीग्रेट करके क्या मिलेगा, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो आप, एक सेपरेट फंक्शन मिलेगा। तो अगर आप इसका उल्टा करते हो, मतलब कि आपको जो आंसर मिला अगर आप उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, अगर आप मान लो कि इन चारों ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, तो आप जो है इसको कैलकुलेट कर लोगे इंटीग्रेट ये वाली वैल्यू को, तो आप ऐसे कुछ ऑप्शंस सिंपली ऐसे कट कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैंने डी ऑप्शन को ऐसे ही कट कर दिया। ऑप्शन बी में देखो, आप जब भी ये करोगे आपको कभी भी यहाँ पे आपको दो टर्म मिलेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तब कभी भी एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, इससे भी आपको एक्सप्रेशन नहीं मिलेगा, बट इससे आपको ये मिल जाएगा। कई बार क्या होता है कि कांस्टेंट वाला टर्म जो है ना मैच नहीं करता है, कई बार आपको क्या होगा, ऑप्शन में जो कांस्टेंट वाला टर्म दिया रहेगा अलग दिया रहेगा, मे बी सम कहीं पे वो 1/2 पुट कर दे, कहीं पे 1/4 पुट कर दे, जो आपको अपने फॉर्मूला से नहीं मिल रहा होगा, तो उस केस में भी आपको घबराना नहीं है, बिकॉज दैट कैन बी मैनेज्ड इन द कांस्टेंट, है ना? तो आपको वो वाली आंसर पिक करनी है जो एक्सप्रेशन से ही मैच करा रही हो, फॉरगेट अबाउट द कांस्टेंट टर्म। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट लिख रखा है ना, कई बार वो आपको यहाँ पे 6 लिख देंगे, कई बार हम वहाँ पे 10 लिख देंगे, दे विल नॉट राइट एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, मे बी ऐसा होता है कई बार, कई बार वो यहाँ पे कांस्टेंट लिख के यहाँ पे कुछ बदल देंगे, ठीक है, और वो आपको फॉर्मूला से नहीं मिल रहा होगा। दीज आर द ट्रिक्स प्लेड बाय द क्वेश्चन सेटर्स, तो आप जो है ना उन सभी चीज़ों में नहीं पढ़ोगे। तो आपका रिवीजन क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एक बार रिवाइज कर लेना, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट एक हॉट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चंस में, ये आता है जहां भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखते हैं और लॉगरिथमिक फंक्शन दिखते हैं, वो सारे फंक्शंस केमिस्ट्री में जाके आगे आपको बहुत काम आने वाले हैं। दैट्स वाई आप जब भी एग्जाम में देखोगे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन आपको बहुत देखने को मिलेगा। द रीजन बींग ये चीज़ें आपकी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, या फिर आप फिजिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो आगे जाके, तो वहाँ भी ये चीज़ काफ़ी यूज होगी। जो प्योर फिजिकल में जा रहे हो, SU इज फेमस फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, दैट्स वाई दे आर आस्किंग सो मेनी मैथमेटिक्स क्वेश्चन। तो जहाँ भी आप फिजिकल पढ़ोगे वहाँ पर ये फंक्शन आपको देखने को बार बार मिलेंगे। समटाइम्स दीज आर द सॉल्यूशन ऑफ सम ऑफ द वेरी गुड प्रॉब्लम्स, ये जो फंक्शन आप देख रहे हो इट इज पावर एक्स कॉस एक्स, इट इज पावर एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, ये सभी के सभी कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन हैं। सो मेरा एडवाइस ये होगा, आप रिवीजन में क्या करो, आप जो है ना आप ट्राइगो फंक्शंस के, लॉगरिथमिक फंक्शन के, एक्सपोनेंशियल फंक्शन के आप जो है ना कर्व देख लो, ठीक है, और इनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का वो देख लो। आप ऑब्जर्व करना, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं कभी भी क्वेश्चन पेपर में, लेकिन आपको रीज़न पता नहीं होता। रीज़न यही होता है कि दीज आर यूज्ड इन योर कोर्सेज, इन योर एडवांस्ड कोर्सेज, दैट्स व्हाई दे आर आस्किंग दिस थिंग। एक चीज़ और याद कर लेना, आप डेफिनेट इंटीग्रल में कुछ चीज़ें आप रिमेंबर कर लेना कि डेफिनेट इंटीग्रल को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जहाँ पे आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी पड़ती है, जैसे कि आपका अगर फंक्शन इवन है तो क्या होगा, फंक्शन ऑड है तो क्या होगा, तो आप इन दो चीज़ों को आप जो है ना रिवाइज कर लेना, ठीक है। अगर किसी को चीज़ें नहीं मिलती हैं कहाँ से पढ़नी है तो आप मुझे मैसेज कर दो, अब मैं उनको सेंड कर दूंगा, बट सबके पास पता होता है कहाँ से वो चीज़ें मिलती हैं। एक घंटा दोगे आप कभी उसे क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, कौन कर रहा है सॉल्व? क्वेश्चन नंबर 29 लग जाइए सॉल्व करने में।
क्वेश्चन है द आर्गुमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। पहले तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, माइनस वन माइनस आई, तो एक चीज ध्यान रखना हम क्या कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स का आर्गुमेंट निकालना। क्वेश्चन को भूल जाओ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, इसका आपको आर्गुमेंट निकालना है। सब फॉलो कर पा रहे हो कि जा रहे हो क्लास छोड़ के? कोई कितने लोग बचे हैं क्लास में? तेरह लोग हैं, तेरह। They are leaving. Okay. तो नेक्स्ट टाइम फिर हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे, मैं ऐसे रिकॉर्ड करके पुट कर दूंगा, आप लोग देख लेना यूट्यूब पे। जब तक 20-25 लोग आएंगे नहीं यहाँ पे तो फिर आप क्या डिस्कशन करोगे भैया? -3π/4 ऑप्शन डी। या करेक्ट। तो कॉन्सेप्ट पहले थोड़ा सा समझ लो आप यहाँ पे। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गेंड आर्गेंड प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे रियल वाला पार्ट होता है एक्स एक्सिस पे, और वाई पे क्या होता है इमेजिनरी वाला पार्ट होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपका माइनस वन माइनस आई है, तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट होता है आर्गेंड प्लेन में। ये आर्गेंड प्लेन है जो आप ये देख रहे हो, जिसको हम कॉम्प्लेक्स प्लेन भी कहते हैं। तो इस प्लेन में जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर है माइनस वन माइनस आई, वो कहाँ होगा? माइनस वन यहाँ पे है और माइनस आई यहाँ पे है, माइनस वन। तो इसका इमेजिनरी रियल पार्ट माइनस वन, इमेजिनरी पार्ट माइनस वन। तो दिस कॉम्प्लेक्स नंबर लाइज समवेयर हियर, है ना? तो जो आर्गेंड जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है कि ये एक्स एक्सिस से कितनी एंगल बना रहा है। आपको ये तो पता होगा कि अगर आप काउंटर क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल क्या होता है, पॉजिटिव। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज जाते हो तो क्लॉकवाइज जाते हो तो एंगल क्या होता है, नेगेटिव होता है। आपको इसका आर्गुमेंट बताना है, तो क्या आएगा इसका आर्गुमेंट, एनी आइडिया? तो देखो ये वाले वैल्यू कितनी है, क्योंकि ये वन वन से गुजर रहा है, यानी कि ये y इज इक्वल टू x वाली लाइन है, और इसका जो स्लोप होता है वो वन होता है, यानी कि ये पाई बाई फोर एंगल है ना? और ये वाला एंगल कितना है, पाई बाई टू। तो आपका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई फोर विथ अ नेगेटिव साइन, बिकॉज वी आर मेजरिंग दिस एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आप कैसे करोगे, 2π/4 + π/4 दिस इज इक्वल टू 3π/4 विथ अ माइनस साइन, दिस इज द आंसर। बहुत सारे लोग इसको फॉर्मूले वगैरह से कर रहे होंगे, वॉट एवर यू आर स्टडिंग, आई डोंट नो, ठीक है वो भी चलेगा, बट दिस इज द सिंपल मेथड। आप ज्योमेट्रिकली सोच सकते हो, ज्योमेट्रिकली काफ़ी चीज़ों के आंसर बहुत ही जल्दी जल्दी मिल जाते हैं। So that is always a good idea to solve every question geometrically. Personally, मैं भैया और एक बार समझाइए, समझ नहीं आ रहा। समझा रहा हूँ। समझ नहीं आया भैया, एक बार समझा दे। हो। देखो ये जो आपका कार्टेशियन प्लेन है ना, x और y, इसको हम लोग कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, जहाँ पे आप किसी भी रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना? ये सारे पॉइंट्स क्या है, नंबर्स है जो इस पे लाई करते हैं। हाँ भैया, ठीक है, सारे पॉइंट्स सारे यहाँ पे लाई कर रहे हैं। तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स को जो है रियल नंबर्स, देखो या तो एक्स पे लाई करेगा या वाई पे लाई करेगा, दीज आर रियल नंबर लाइन। लेकिन जो तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो किसी लाइन पे रिप्रेजेंट हम कर ही नहीं सकते, स्पेशल केसेस में ही लाइन पे आता है। होता क्या है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग आर्गेंड प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं,
आर्गेंट प्लेन में क्या होता है कि आपका जो रियल पार्ट है वो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप रियल पार्ट को लिख देना और इस एक्सिस पे क्या प्लॉट करोगे, आप इमेजिनरी पार्ट को प्लॉट करोगे। जैसे ये वाला नंबर है माइनस वन माइनस आई, इसका रियल पार्ट क्या है माइनस वन, तो माइनस वन इस लाइन में कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस वन, है ना। और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो भी माइनस वन है, तो यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यहाँ नेगेटिव वाई एक्सिस है, तो आपका माइनस वन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। तो आपका जो ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा कहाँ लाई करेगा, दिस विल लाई समवेयर हियर। कॉम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे लाई करेगा, देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आर्गुमेंट क्या होता है, हम इस पॉइंट को जो है ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, और एक्स एक्सिस से जो ये एंगल फॉर्म करता है वो निकालते हैं। तो ये वाला जो है ये वाई इक्वल टू एक्स लाइन के अलॉन्ग लाई कर रहा है, अगर ऐसे आप देखो तो। और ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, 45 डिग्री। कैसे, ये भी वन है, ये भी वन है, तो ये आप निकाल लेना यहाँ से पी बाई वी करके, ये कितना आ जाएगा, वन आ जाएगा, यानी कि 45 डिग्री एंगल है, यानी ये पाई बाई फोर है। और ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल कितना है, पाई बाई टू है। अब हम जो इस एंगल का जो मेजरमेंट है वो कहाँ से कर रहे हैं, एक्स एक्सिस से, और वो कैसे कर रहे हैं, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। तो क्लॉक वाइज अगर आप किसी भी एंगल को मेजर करते हो तो वो जो होता है नेगेटिव वैल्यू देता है, और अगर आप एंगल को काउंटर क्लॉक वाइज अगर मेजर करते हो तो पॉजिटिव होता है। दिस इज द साइन कन्वेंशन फॉर एंगल्स, यू शुड नो अबाउट दिस। तो आपका जो एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, पहले तो ये पाई बाई टू वाला टर्म आ जाएगा यहाँ तक, और उसके बाद क्या आ जाएगा, पाई बाई फोर वाला टर्म आ जाएगा, है ना। बट सिंस वी आर मेजरिंग दिस काउंटर क्लॉक वाइज, सो वी विल पुट अ नेगेटिव साइन हियर। अब इसको ऐड कर लो आप, तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर लिया, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री पाई बाई फोर, है ना। हाँ भैया आप समझ आ गया, है जिसको समझ नहीं आ रहा है, एंगल सबसे में वो एंगल सबसे में वो रियल लाइन के मतलब रियल लाइन से ही लेना है ना, रियल लाइन से लेना है। अच्छा अच्छा ठीक है। और देखो अगर आपको इस कॉन्सेप्ट फिर भी दिक्कत है, तो आप एक क्वेश्चन से नहीं सीख पा रहे हो, तो आप ये वाला कॉन्सेप्ट अपने 11th 12th की बुक में आपको मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इस पेपर दोबारा देख लो। तो कोई भी प्रॉब्लम कभी भी नहीं होती है, आप दोबारा किसी को रिकॉल कर रहे हो तो, ठीक है ना, कोई वैसा कोई इशू नहीं है, उसको देखने में कोई सेम भी नहीं होना चाहिए। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो आप सब, ये साइन क्यूब थीटा बाय टेन थीटा माइनस साइन थीटा को रिड्यूस करो, कौन सा आंसर आता है, ये करके दिखा लो। ये ए ए आ रहा है, ए इज द राइट आंसर। कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर। हेलो हेलो भैया। हाँ हाँ बोलो बोलो भैया। मैं जैसे बायो बैकग्राउंड से हूँ तो ये सब मैंने पहले पढ़ा हुआ नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह जो भी आप बता रहे हैं, इसका कहाँ से देखना है, मतलब 12th में मैथ्स नहीं थी, मतलब मेरे पास 11th 12th में ऐसा सीन है। आई डोंट थिंक जिसके पास मैथ नहीं है और बीएससी में मैथ नहीं, वहां पे एससीओ में एडमिशन ले सकते हैं, दे हैव सम क्राइटेरिया। एक बार आप एससीओ का क्राइटेरिया चेक, हां तो अगर आपको सीखना है तो आप सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बायो बैकग्राउंड से है वो, मुझे जो भी यहाँ पे है अगर उनको कोई भी पॉइंट यहाँ पे सीखना है डिटेल में, अगर वो नहीं समझ पाए वो मुझे क्लास के बाद मैसेज कर देना, आई विल गिव यू द रिसोर्सेज टू स्टडी, ठीक है। बाकी मैं एक बार ये कहूँगा कि आप लोग जो है ना ये एक बार चेक कर लो क्राइटेरिया क्या है एस सी यू का, बिकॉज दे प्रीफर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड ओनली फॉर देयर एम एस सी केमिस्ट्री प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 30 के तो लिए भैया वो बोलो एंट्रेंस के बेसिस पे ही लेते होंगे ना, बस कुछ इंटरव्यू थोड़ी ना होगा उसका, इंटरव्यू नहीं होता है, बट दे हैव अ सिलेक्शन क्राइटेरिया, दे ओनली प्रेफर दोज स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम मैथमेटिक्स बैकग्राउंड। एक बार उनके अच्छा वेबसाइट पे जाके आप उनका जो है उनका जो क्या कहते हैं उसको, जो भी मैनुअल आता है एडमिशन के टाइम पे,
उसमें आप चेक कर लो कि किस एमएससी केमिस्ट्री का रिक्वायरमेंट क्या है, बीएससी में क्या है, प्लस टू में क्या, एक बार आप देख लेना. दैट्स ऑल व्हाट आई एम सेइंग. ठीक है भैया, वो क्रॉस चेक कर लूंगा मैं. हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वैसे और भी एग्जामिनेशंस हैं आपको ऐसा सीखने के लिए क्लास कर सकते हो. अगर आपने कभी मैथ नहीं पढ़ा है तो आप देख सकते हो किस तरह मैथ चीजें करते हैं. क्वेश्चन नंबर 30 हो गया ना सबका? आंसर 1 + x² आ रहा है. किसका 30 का बताओ पहले. 30 का 31 अभी मैं जा रहा हूँ. 30 वाला करवा दीजिए ना. 30 का cos थीटा + cos थीटा आ रहा है. हाँ 30 का करते हैं हम लोग. देखो जनरली क्या होता है, जनरली हाँ जो जिन्होंने कर लिया सही आया उनका. जनरली क्या होता है कि आपका जो भी एक्सप्रेशन अगर मान लो कि दिया है, आप इसको रिड्यूस करोगे तो आप सिंपली क्या करो ना, इसको आप साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर लो. तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन थीटा बाय कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. एंड आप फिर क्या करोगे, इसका साइन क्यूब थीटा अपॉन, यहाँ से एलसीएम ले लोगे, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना. ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, यहां से कॉमन ले लो, 1 - cos θ. तो दिस साइन थीटा गेट्स कैंसिल्ड बाय दिस पावर. तो ये यहाँ पे क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा. और साइन स्क्वायर थीटा को आप फिर कन्वर्ट कर लो 1 - cos²θ में. उसके बाद क्या करो आप, 1 - cos²θ क्या हो जाएगा, a² - b² फॉर्मूला यूज करो. तो 1 + cos θ इंटू 1 - cos θ, है ना. और ये cos थीटा तो है ही मल्टीप्लाई में, अपॉन 1 - cos θ. तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा. तो 1 + cos θ इंटू कॉस थीटा. तो दिस विल बी क्या रहा इसका आंसर, कॉस थीटा + कॉस स्क्वायर थीटा. ठीक है, फिर इसका आंसर क्या हो गया आपका, इसका आंसर ये हो गया, इसका आंसर ए हो गया. इसको किसने कर लिया, थर्टी वन कितने लोगों ने कर लिया, 31 करो जिन लोगों ने नहीं किया है. कुछ लोग कर भी रहे थे आई थिंक. 31 का बी आया है, बी बी आया बी आया बी आया है. ठीक है, 31 का बी करेक्ट आंसर है. जो लोग नहीं कर पाए उनके लिए पहले क्या है, ये 1 - x^4 / 1 - x, दिस इज 1 to the power 2, एक का स्क्वायर एक ही होता है और ये x स्क्वायर का आप इसको स्क्वायर समझ सकते हो. दिस इज 1 - x एंड दिस इज 1. अब a² - b² का फॉर्मूला यूज करो आप. तो क्या होता है, a² - b² क्या होता है, a - b into a + b. तो आप इसको कैसे लिखोगे, 1 - x² / 1 + x² / 1 - x. फिर आप ये वाला तो एक्सपेंड नहीं हो पाएगा, आप ये वाला टर्म एक्सपेंड करो आप. तो a² - b² फिर से लग जाएगा यहाँ पर, दिया जाएगा 1 - x (1 + x) / 1 + x² / 1 - x. तो ये हो जाएगा आपका क्या, 1 + x (1 + x²). और अगर आपको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 1 + x + x² + x³. दिस इज ऑप्शन बी. सबका हो गया ना, किसी को दिक्कत तो है यहाँ पे. कोई भी अभी तक जितना इसमें प्रॉब्लम अगर हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भैया.
जो क्लास में चीजों को मिस कर दिए वो मुझे मैसेज कर देंगे, मैं फ्री होके उनका डिस्कशन मतलब कर दूंगा। किसी क्वेश्चन में किसी को अगर इशू है दे कैन मैसेज मी आफ्टर द क्लास एंड आई विल क्लियर दैट पोर्शन। बाकी ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, आपको जो चीजें इसमें देख लेना। तो क्वेश्चन नंबर 72 करो। A wireframe in the form of an equilateral triangle is changed to a circle. एक वायर है जो इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में है, और इसको हमने बदल दिया है एक सर्कल में। तो लेंथ ऑफ द वायर तो सेम रह गया, तो आपको उनके एरिया का रेशियो निकालना है। एरिया ऑफ द सर्कल बाय एरिया ऑफ द ट्रायंगल, आपको ये निकालना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, पेरीमीटर सेम है, पेरीमीटर सेम है। तो ये अगर ए है, ये भी अगर ए है और ये भी अगर ए है, तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया 3a, और इसका पेरीमीटर क्या हो गया, इसका पेरीमीटर हो गया 2πr, पेरीमीटर या सर्कमफेरेंस जो कहते हो। तो आपको यहाँ से ए और आर के बीच में क्या मिल गया, रिलेशन मिल गया है ना। और एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रूट 3a² / 4, पता है ना। तो आप क्या करो, आप यहाँ से ए की वैल्यू या आर की वैल्यू ए के टर्म में या ए की वैल्यू आर के टर्म में आप पुट कर दो। तो आप ये वाला वैल्यू जो है ए का आप यहाँ पे डाल देना और इसको रिड्यूस कर लेना। व्हाट यू विल गेट इज, यू विल गेट 3√3/π, ऑप्शन डी। देखो कितने लोगों का आया ये। डी है, बी आया है, डी आया, ऑप्शन ऑप्शन डी, डी। हु इज गेटिंग बी 0.5, किसका आ रहा है, सबका डी आया है, डी आया है, डी आया है। ओके ओके, इसको प्रैक्टिस कब समझ के आप इसको चलो कि आप प्रैक्टिस कर रहे हो मेरे साथ, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ टीचिंग हो रही है। आप लोग खुद से सेपरेटली सॉल्व नहीं करते, इसलिए मैंने सारा क्वेश्चन 2019 का एक जगह जमा करके सॉल्व करने के लिए बैठ गए हैं साथ में हम लोग, बस यही है। आपका भी प्रैक्टिस हो रहा है, क्योंकि देखो बिना प्रैक्टिस वाली क्लास के ना पढ़ाने वाले क्लास में कुछ होता नहीं। पढ़ाने के लिए मटेरियल बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। तो आगे बढ़े हम लोग। 3a इक्वल टू 2πr कैसे हो रहा है ये जगह? देखो आपने क्या किया, आपने जो है ट्रायंगल को कन्वर्ट किया सर्कल में, सर्कल में। जो ये जो लेंथ है टोटल लेंथ वायर की वो तो कांस्टेंट रहेगी। हाँ, तो यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसका साइड अगर a है, तीनों का साइड, तीनों साइड क्या होगा, a के बराबर होगा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो गया, a प्लस a, दिस इज 3a। और यही वायर जो है आप स्ट्रेच करके और उसको सर्कल बना रहे हो, तो ये वायर का लेंथ तो सेम रह गया। तो वायर का लेंथ यहाँ पे कितना होगा, 2πr होगा, दिस शुड बी सेम। बट सेम क्या नहीं होगा, एरिया सेम नहीं होगा, क्योंकि एरिया जो होता है डिपेंड करता है कॉन्फ़िगरेशन, कि कैसे कॉन्फ़िगरेशन में हमने इसको ओरिएंट किया है। तो एरिया सेम नहीं होगा, तो एरिया का रेशियो निकालने का पूछा गया है, यही तो क्वेश्चन था। हाँ भैया समझ गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ तक तो बोलो।
क्वेश्चन नंबर 74 ट्राई कर रहे हो ना? क्वेश्चन का कहना ये है कि इसके पूरे डोमेन में, डोमेन मतलब जिस एक्स की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड है, तो क्वेश्चन कह रहा है अमंग द फॉलोइंग द फंक्शन दैट हैज मैक्सिमम सिंगल मैक्सिमम ओवर इट इंटायर डोमेन. तो इंटायर डोमेन क्या होता है? अगर आप एक्स को माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक वेरी कराओ तो उस इंटायर फील्ड में, इंटायर स्केलर फील्ड में या इंटायर डोमेन में कौन सा ऐसा फंक्शन जिसका सिंगल मैक्सिमा है. तो देखो हम क्या करते हैं, पहले ए का ग्राफ प्लॉट करते हैं. तो साइन ए का ग्राफ तो आपको सबको पता है, बहुत ही फेमस सा कर्व है, इस टाइप का होता है ना. इस पर देखो कितने सारे मैक्सिमा आ रहे हैं, यहाँ पे एक दो तीन. जब यहाँ इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा तो इसमें इन्फिनाइट मैक्सिमा आएंगे, तो ये वाला ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा. एक्सपोनेंशियल एक्स का देखो, तो एक्सपोनेंशियल एक्स जो है कैसा होता है, ऐसा फंक्शन होता है ना? जीरो, अगर x इक्वल टू जीरो पुट किया तो y इक्वल टू वन होगा, तो वो बट जीरो. सुनो ध्यान से, एक्सपोनेंशियल एक्स का कोई भी मैक्सिमा नहीं होता है, दिस इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन और कहीं पे इसका मैक्सिमा नहीं आएगा, ठीक है ना. तो ये भी ऑप्शन में नहीं होगा. हमें कहा गया कि एक मैक्सिमा आना चाहिए इसका पूरे डोमेन में, बट ये इसका तो कोई मैक्सिमा है ही नहीं कहीं पे, तो ये नहीं होगा. लॉग एक्स का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, ठीक एक्सपोनेंशियल का क्या होता है ना, मिरर इमेज होता है, इनवर्स फंक्शन है दोनों, इस टाइप का फंक्शन है, ऐसा कुछ फंक्शन होता है, ठीक है. लॉग एक्स वाला, इसमें भी कोई मैक्सिमा नहीं आएगा, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बच गया, सेक एक्स, सेक हाइपरबोलिक एक्स. आप इसका ग्राफ देखना, सेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ जो होता है ना कुछ ऐसा होता है. अब इसका एक बार ग्राफ चेक कर लेना. इसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होता है. इसके ग्राफ में आपको क्या मिल रहा है, सिंगल मैक्सिमा मिल रहा है. तो अगर आपको नहीं भी पता था सेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ तो भी आपको आंसर मिल रहा है, बिकॉज यू आर एलिमिनेटिंग ऑल अदर ऑप्शन. तो ये वाला टेक्निक भी आपको ट्राई करना है. कई बार आपको आंसर पता नहीं होगा तो आपको उस केस में क्या करना है, आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है. हमेशा एग्जाम में फ्री माइंड के साथ बैठो कि आपको दिमाग में रहे कि ये सब चीज़ें वहाँ पे पड़ी हुई हैं. डोंट थिंक दैट यू डोंट नो एनीथिंग. अगर आपको ये फंक्शन का ग्राफ नहीं पता है सेक हाइपरबोलिक एक्स का, तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच गए. और मुझे ग्राफ पता है तो मैं सिंपली इसको तुरंत ही इसको ऐसे ही मार दूंगा यहाँ आंसर. मे बी मैं कई बार रॉन्ग हो जाऊँ, क्योंकि मैं हो सकता है मैंने मिस्टेक कर दिया हो ग्राफ ड्रॉ करने में, बट एलिमिनेट करके आप ऑलवेज नियर टू द राइट आंसर होंगे. तो ऑलवेज ट्राई दिस टेक्निक, वेन एवर यू डोंट नो एनीथिंग ट्राई टू एलिमिनेट द ऑप्शंस. दिस इज द बेस्ट वे टू डील द क्वेश्चन, इजी क्वेश्चंस. ये एक इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है. डोमेन क्या होता है, वो सारे पॉइंट्स जो कोई फंक्शन लेता है अपने वैल्यू के लिए, और वो एक वैल्यू उसके रिटर्न करता है, तो डोमेन कहलाता है. एक फंक्शन जो होता है वो एक मैपिंग होती है सेट ए से सेट बी पे, और ये जो होते हैं इसको डोमेन कहते हैं, और इसको कहते हैं रेंज, ठीक है. तो इस फंक्शन का डोमेन जो है माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी दिया गया है, हमें कह रहा है कि कहाँ पे एक मैक्सिमा अटेन करेगा, तो यहाँ पे. दिस इज द क्वेश्चन. क्लियर है किसी को या कोई कंफ्यूजन है, बताओ यहाँ पे फिर. क्लियर है भैया. कितने लोगों को सेक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ पता था पहले से? एक हाइपरबोलिक एक्स का ग्राफ कितने लोगों को पहले से पता था? ट्राई करो 76 नंबर.
भैया sec x और sec hyperbolic x एक ही हुआ ना? नहीं एक ही नहीं हुआ, एक नहीं हुआ। नो ऑप्शन बी। ओके कैसे सॉल्व किया आपने? x x equals to y square by 2 को जो x equals to y square by 2 है वो y की इक्वेशन में पुट किया तो सॉल्व करके वो इंटरसेक्ट पॉइंट मिल गया। तो वही इसके लिए सॉल्व किया, x की वैल्यू यहां से पुट कर दी इस इक्वेशन से। हाँ लाइक दिस। ऐसे कर रहे हो? देखो इस क्वेश्चन में आप ऐसे करो, जब भी आप कोई क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने के लिए दिया जाए तो आप जो है ना इक्वेशन को सॉल्व करने के बजाय आप जो है ना अगर इजी क्वेश्चन है जैसे तो वो सॉल्व कर सकते हो, अगर इजी क्वेश्चन इजी नहीं है तो आप जो है ना आप ऑप्शंस को इक्वेशन में पुट करके सेटिस्फाई करा के देखो, दैट इज द बेस्ट मेथड टू गेट द आंसर। अगर आप इस तरह से चेक करोगे तो जैसे आपका 2,0 है, एक्स को जीरो पुट एक्स को टू पुट करो तो टू का स्क्वायर क्या हो गया 4 वाई इक्वल टू 2 आता है यहाँ पे, वाई कॉल्ड जीरो तो नहीं हो सकता तो ये वाला ऑप्शन तो कभी भी नहीं होगा। अगर आप एक्स इक्वल टू 1 पुट करो वाई कॉल्ड 2 पुट करो देखोगे आप ये तीनों ऑप्शन नहीं मैच करेंगे, और ये कोई सिंपल सा एक्सप्रेशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं। तो आप जो है ना क्या करो, आप जो है इस तरह से पुट करके आप एलिमिनेट करो ऑप्शन को और राइट आंसर तक पहुँचो। ये एक सिंपल मेथड है, अगर आपका इक्वेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो सिंपल है तो आप सॉल्व कर सकते हो। There is one more method for geometric figures. वो क्या है, आप उसका graph plot कर सकते हो और graph plot करके आप points निकाल सकते हो। But चूंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा mathematics practice नहीं करी है तो graph plot करने में भी problem आएगी, तो आप वो वाला method ऐसे ही रहने दो अभी, ठीक है? तो कैसे करेंगे हम लोग इसको, मेरा चॉइस ये है कि आप जो है ना ऑप्शंस के थ्रू जाओ, क्योंकि मे बी आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करने बैठोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट आप इसको अगर सॉल्व कर दो अगर ठीक से तो क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू जो है आपको 2 मिलेगा, और आप x में पुट करोगे तो आपको जो है x भी मिल जाएगा यहाँ। ट्राई क्वेश्चन नंबर 77। B 1/6 to the power n. और कोई?
अगर आप एक डाई थ्रो करते हो, चलो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं, अगर आप एक बार एक डाई थ्रो करते हो तो 6 आउटकम्स आता है ना। वन कितनी बार दिखेगा, एक बार दिखेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ शोइंग वन क्या हो जाएगी, 1/6 वन डाई में। अगर आपके पास टू डाई है, टू डाई से तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आउटकम्स हो जाएंगे 36, तो आपका जो प्रायोरिटी हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। ऑल फेसेस वन शो होने का, क्योंकि आपको 1,1 एक ही बार दिखने वाला है आपको पूरे 36 आउटकम्स में। और अगर 3 रहेगा तो क्या हो जाएगा, ये 1/216। दिस इज क्लियरली इंडिकेटिंग of the form 1/6 to the power n, so we have the option B as correct। एक चीज याद रखना कि आपको expressions देख के generalize करने की habit होनी चाहिए, you need to know how to generalize the results। कोई ना कोई एक question ऐसा हमेशा exam में आता है जो आपको generalize करने को कहेगा result को। तो कई बार क्या होगा कि आप general solution निकालने के बजाय आप 1, 2, 3 करके put करके देखो आप answer निकाल लो। This is also a good way to solve anything। कोई सीरीज का प्रॉब्लम दिया गया है, आप जनरल नहीं निकाल पा रहे हो, आप कुछ टर्म्स यूज करके देखो और निकाल के देखो, है ना। नाउ 78 नंबर करो। भे दो डाइस में 36 कैसे हो रहा, बता रहा हूँ। अगर आप दो डाई थ्रो करते हो तो आउटकम कितना होगा, देखो दो तरह से डाई थ्रो की जाती है। आपके पास दो डाई हाथ में, दोनों को आपने एक साथ थ्रो किया, या आपने एक ही डाई को एक बार थ्रो किया फिर दूसरी बार थ्रो किया, है ना। तो आउटकम कितना होगा, पहले डाई पे मान लो 1 आ गया, दूसरे डाई पे भी 1 आ गया, पहले डाई पे 1 आ गया, दूसरे डाई पे 2 आ गया, पहले डाई पे 1 3 1 4 1 5 1 6 ऐसे ही करके आपके क्या हो जाएगा 2 1 2 2 और ऐसे ही आपका यहाँ तक चला जाएगा 6 1। हाँ समझ गया। टोटल फर्स्ट नंबर कांस्टेंट सेकंड इंक्रीज होगा ऐसे ही। तो आप रिजल्ट्स लिख के इसमें पूछ सकता है कि सम 3 सम 4 कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसका कर सकते हो। ये तो सिंपल 10th क्लास में क्वेश्चन ये सब होते थे। सॉल्व करो क्वेश्चन नंबर 78। ऑप्शन बी ऑप्शन बी 1। और भी कोई करो सॉल्व, बताओ आंसर कितना आ रहा है। 0 0 ऑप्शन एक का ए आ रहा है, एक का बी आ रहा है, ऑप्शन सी डी वाले भी कोई है क्या तो बता दो। दो तीन क्वेश्चन और बचा हुआ है, जल्दी से सॉल्व हो जाएगा सब। तो मैंने मेरे प्लान यही था कि 1.5 घंटे में हम लोग एक ऊपर डिस्कस कर लेंगे 20 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन जो भी होता है। तो अभी तक तो हम प्लान के अकॉर्डिंग जा रहे हैं। ए और बी वाले अपना आंसर दोबारा चेक करें, और जो नहीं कर रहे हैं वो कृपया क्वेश्चन करें। प्रैक्टिस करने के लिए बैठाया था आप लोगों को, नहीं तो मैं रिकॉर्डिंग डाल देता सॉल्यूशन करके, आप रिकॉर्डिंग देख लेते, बट वैसे फायदा होता नहीं है भैया। ऑप्शन डी ले, ऐसे ही ठीक हो रहा है, ऐसे डिस्कशन से ज्यादा बेहतर है, ठीक हो रहा है। डिस्कशन में बहुत ज्यादा लोग जुड़ते नहीं है, ये भी तो प्रॉब्लम है। नहीं तो मेरा पहला चॉइस क्लास करने का गूगल मीट होता है। मैं रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज मुझे पता है कि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों का नेट इशू होगा, ये होगा वो होगा, आप क्लास नहीं करोगे। वे हम लोग जितना जनी जुड़े उन्हीं लोग को कराते रहिए, मतलब क्लास कंटिन्यू करेगा, ये ऐसे ही रहेगा।
मेरा पूरा अभी बेसिक मैथमेटिक्स के बाद मेरा जो प्लान है वो है कि मैं बेसिक फॉर्मूला पे जो क्वेश्चन आ रहा है ना, जिसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, अभी के क्वेश्चंस में कोई भी केमिस्ट्री नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैथ है, तो मैंने अभी उसको चूज किया है। तीन पेपर डिस्कस करेंगे, तीन पेपर सॉल्व करेंगे, आप लोगों को बाकी बाकी पेपर होमवर्क मिल जाएगा, आप आराम से कर लोगे, प्रैक्टिस आप खुद से करोगे तभी आपका अच्छा होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग जो है ना, जिसमें बेसिक केमिस्ट्री यूज हो रही है, फिजिकल वाली ही ऑब्वियस ही बात है, उसको डिस्कस करेंगे। इससे आपका क्या होगा कि आपको इजी क्वेश्चंस को फिल्टर करने का आपका हैबिट बन जाएगा एग्जाम में। जब तक आप वो 40-45% जो इजी वाले क्वेश्चंस होते हैं उसको आप फिल्टर नहीं कर लेते, उसको सॉल्व नहीं कर लेते, आपकी रैंक हमेशा जो है ना नीचे ही रहेगी। आप कॉन्सेप्ट से कितना भी कर लो लेकिन आपको इजी क्वेश्चन पिक करने आना चाहिए। तो अभी अगले वाले जो सेशन होंगे उसमें हम लोग यही भी करने वाले हैं। अभी फिलहाल मैथ का मुझे देखना है, एसयू का, क्योंकि बहुत सारे लोग एसयू के लिए यहाँ पे डिजर्व मतलब कि काफी वो विलिंग है जाने को। किसका ऑप्शन डी आया है? हम भी। ऑप्शन भैया मेरा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाउ टू डू दिस, देखो देखो, जो ए है वो क्या दिया गया है, एक्स कैप प्लस वाई कैप प्लस जेड कैप, और बी क्या दिया गया है, एक्स कैप माइनस वाई कैप प्लस जेड कैप। तो एक्स वाई कैप, कहीं पे ये आई कैप जे कैप के कैप होता है, कहीं पे एक्स कैप वाई कैप जेड कैप होता है। ये क्या है, ये जो है ना थ्री एक्सिस के अलोंग क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं। और यहाँ पे जितने कोऑर्डिनेट होंगे, जैसे यहाँ पे टू है तो दिस इज टू एक्स कैप, यहाँ पे टू है तो यहाँ पे टू वाई कैप, तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, टू एक्स कैप प्लस टू वाई कैप। और अगर थ्री डायमेंशन में चले जाओ तो जेड कैप भी आ जाता है। तो ये एक्स वाई और जेड क्या है, ये यूनिट वैक्टर से अलोंग एक्स वाई जेड। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स को लिख दो और यहाँ पे उनके जो कोफिशियंट है उनको लिखो। कोफिशियंट यहाँ पे क्या है, ए का। अगर ए निकालना है तो ए पहले लिखेंगे 1 1 1, बी बाद में तो बी बाद में लिखेंगे 1 माइनस 1 1। इसको कैलकुलेट कर सकते हो, डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आता है, ये भी निकालने के लिए आता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 into 1 minus 1 0 y cap plus minus 1 minus 1 z cap। ये कितना आ गया, 2x cap एंड माइनस 2 z cap। उसी तरीके से तो ये a क्रॉस b हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, हमको डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये वेक्टर मान लो कि ये सी वेक्टर है, ये मान लो सी वेक्टर है, तो सी वेक्टर का हमें हम डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे निकालते हैं, तो ये कॉफिशियंट एक्स वाले कॉफिशियंट से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 2 into 2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस माइनस प्लस 2 into 2 4, आंसर इज 8। इतना टाइम भी नहीं लगता है करने में, ये मैं दिखा रहा हूँ समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। दीज आर वेरी सिंपल क्वेश्चन, दिस डजंट टेक मोर देन हाफ और वन मिनट, बट आपका प्रैक्टिस होना चाहिए इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस पे। दीज आर स्किल्स, यू ऑलवेज नीड दीज थिंग्स इन योर स्टडीज अलोंग एनी सब्जेक्ट, लाइक मैथ पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, हर जगह आपको ये स्किल्स।
क्लियर है किसी को या फिर कुछ पूछना है यहाँ पे? टू एटी फाइव नंबर करो आप लोग। कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है, 85 नंबर कर रहे हो कि नहीं? हेलो। हाँ भैया कर रहा हूँ। कर रहे हैं भैया। ऐसा नहीं कि मैं मीटिंग से निकल जाऊं मुझे पता भी नहीं चले, रिस्पॉन्ड करते रहो। नहीं भैया, जो सब नहीं आ रहा है वो ऑप्शन सी, sin cos phi + sin phi। cos phi + sin phi करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। और किसी को ट्राई करना है तो करो। सिंपल है, वही कॉन्सेप्ट लगाओ, कन्वर्ट इनटू साइन एंड कॉस एंड देन सॉल्व, क्योंकि आपका सारा यहाँ पे ऑप्शन साइन और कॉस के टर्म में ही है। ऑप्शन सी हो रहा है, साइन कॉस करके एलसीएम लेने के बाद ही हो जा रहा है। हाँ सिंपल सा है, कैसे जिसको जिसका नहीं हो पाया वो देख लो वो लोग। तो ये जो है साइन फाई है और ये वन माइनस कॉट फाई है, तो कॉट फाई क्या होता है, कॉस फाई अपॉन साइन फाई प्लस cos phi upon 1 minus tan phi. tan phi क्या होता है, sin phi by cos phi. now आप यहाँ पे LCM ले लोगे, sin phi minus cos phi हो जाएगा ये, और ये चला जाएगा ऊपर, so this will be sin square phi upon sin phi minus cos phi and this will be cos square phi by cos phi minus sin phi. तो यहाँ पे बस एक माइनस का अंतर है, आप इसको अगर आप जो है माइनस कर दोगे तो यहाँ पे एक माइनस लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये यार रहने दो, एक स्टेप और बढ़ा ही देता हूँ मैं, तो साइन स्क्वायर फाइव अपॉन साइन फाइव माइनस कॉस फाइव माइनस cos square phi upon sin phi minus cos phi. तो आपका डिनोमिनेटर लगभग, डिनोमिनेटर दोनों सेम है, आप क्या करोगे ऊपर टर्म्स को ऐड कर दोगे, तो sin square phi minus cos square phi upon sin phi minus cos phi. अब क्या करेंगे, अब हम लोग a square minus b square यूज करेंगे ऊपर वाले के लिए। भैया कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, एक बार अलाउ कर दीजिए तो। यार क्लास खत्म होने वाला है, मैं इसलिए अलाउ नहीं कर रहा हूँ, लेट आके क्या करोगे, टाइम अच्छा ये मैंने मतलब पहले मैंने 3:15, 3:20 के बाद अलाउ करना बंद कर दी। हाँ क्योंकि ग्रुप में बार बार लिख रहे ज्वाइन नहीं कर पा रहे, ज्वाइन नहीं कर पा रहे, इसलिए। नहीं वो होगा ही नहीं, आपको पता होना चाहिए कि आप क्लास में मिस कर रहे हो क्लास, ऐसा नहीं होता है कि आप कभी भी आ रहे हैं। आप यहाँ के बाद जब यूनिवर्सिटीज में जाओगे तो आपको वहाँ क्लास में घुसने नहीं देंगे, ऑनलाइन मोड में भी बहुत टफ होता है यहाँ। तो आपको टाइम का कदर होना चाहिए, जब आपको अपने टाइम का कदर नहीं है या ट्यूटर के टाइम का कदर नहीं है तो आप कैसे फिर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो सही से। यू नीड टू कंसिडर वॉट इज द गिवन टाइम, वॉट इज द ड्यूरेशन ऑफ द क्लास, ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, तभी आप कोई रिजिड होकर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, LCM रखेंगे और ये इसको आप तोड़ दो एस कार्बन बीस कार्बन से, तो साइन फाई प्लस कॉस फाई, जो लोगों का नहीं हुआ उनके लिए, बाकी ये तो सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। दिस इज कैंसिल्ड आउट एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 86 करो सॉल्व।
86 नंबर किसी का हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? देखो ज्योमेट्रिकली देखा जाए तो 86 नंबर मैंने भी सॉल्व नहीं किया है, बट आई कैन टेल यू हाउ टू गेट द आंसर। सी, ये कह के आ रहे हैं कि थ्री सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली, मतलब कि एक सर्कल, दूसरा सर्कल और तीसरा सर्कल एक दूसरे एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और ये दो पैरेलल के बीच में लाई करते हैं इस तरह से। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, तो ये वाला जो डिस्टेंस निकलेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। आपको दे रखा है कि सर्कल का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, सर्कल का रेडियस 1 है, तो ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो गया, यहाँ तक का डिस्टेंस 2 हो गया, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस भी 2 हो गया। तो ये 2 + 2 तो कभी होगा नहीं, कभी भी ये जो है लेंथ जो है 4 तो हो नहीं सकती है, 4 से लेंथ कमी होगी। कैसे? क्योंकि ये सर्कल देखो यहाँ पर थोड़ा डिप कर रहा है ना, तो यहाँ पे 1 1 और 1 1, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर से ये जो डिस्टेंस है ये कम ही होगा, है ना। तो आपका सी ऑप्शन तो कभी नहीं आएगा आंसर, डी ऑप्शन तो कभी नहीं आएगा आंसर। नाउ व्हाट शुड बी द आंसर? अब देखो 4 से जो कि डिस्टेंस के आगे नहीं जा सकता, तो ये देखो बी ऑप्शन भी कट जाएगा। कैसे? क्योंकि ये क्या लिखा गया है, 3 + 1.732, यानी कि ये लिखा गया है 4.732, ऑप्शन भी कट जाएगा। तो दिस इज द आंसर। तो मैंने इसको बिना सॉल्व किए यहाँ पे ऑप्शन टिक किया है, क्योंकि इसकी ज्योमेट्री बहुत कॉम्प्लेक्स है। आप इसको 9th-10th में प्रैक्टिस करते हो, अगर प्रैक्टिस में नहीं हो तो मे भी सॉल्व ना होइए। अगर मे भी आपको थ्योरम्स याद हैं, जैसे मैं, मुझे एक साल पहले तक थ्योरम्स याद थे, मैं पढ़ा रहा था बच्चों को, तभी थ्योरम्स दिमाग में नहीं है तो मे भी मैं इसको सॉल्व करने में फंस जाऊंगा। और एग्जाम में इतना टाइम नहीं है कि मुझे ये डिस्क्रिप्टिवली सॉल्व करना है, मुझे बस आंसर लाना है। सो ऑलवेज गो बाय लॉजिक, ठीक है। और ये फिगर्स जो कंस्ट्रक्ट करना आप लोग, ये सही से करना, मतलब ये ज्योमेट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। ऑलवेज लाइक हमेशा इक्वेशंस के कर्व्स, फंक्शन के कर्व्स, ज्योमेट्रीज, ये सब अपनी अच्छी रखो। जब तक ये पोर्शन अच्छे हैं, आप बिलीव करो अपने आप पे, आप कोई भी मैथ जो है सॉल्व कर सकते हो। ऑलवेज ट्राई टू थिंक इन टर्म्स ऑफ फिगर्स। अभी हम आगे वाले पेपर डिस्कस करेंगे, तभी आपको और सारे मैं कर्व्स और सारे मेथड दिखाऊंगा जो ग्राफ से ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ऐसे फिगर से सॉल्व कर सकते हो बिना मेथड वैसे निकालने। एंड ये कहीं पे लिखा गया नहीं, ये आपका कॉमन सेंस है, आप भी कर सकते हो। दिस इज नथिंग दैट इज यूनिक टू मी और एनीवन एल्स, दिस इज कॉमन फॉर एवरीवन, ठीक है। किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो पूछ सकते हो। मूव करें आगे भैया। हाँ भैया, हाँ बताओ भैया। सर्कल्स तो ओवरलैप नहीं हुआ? कैसे ओवरलैप नहीं हुआ? वन अनदर टच, वन अनदर एक्सटर्नली, एक्सटर्नली तो टच करा रहे हैं। यहाँ एक पॉइंट पे टच हुआ, एक यहाँ एक पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट पे टच किया। मैंने ओवरलैप कहाँ कराया है? सी, मैंने तो लॉजिक भैया फोर्स से कम हो रहा है। देखो 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 फिर से देखो, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये सर्कल का जो एंड पॉइंट है यहाँ पे आ रहा है और ये इस सर्कल के नीचे है, तो ये वाला डिस्टेंस जो होगा कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा, और ये वाला डिस्टेंस भी होगा 2 सेंटीमीटर, ये वाला डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर है, लेकिन ये वाला पोर्शन तो दो बार कैलकुलेट हो जा रहा है ना। तो ये जो ओवरऑल डिस्टेंस है ये 4 से कम है, समझ रहे हो आप? ये एक बार सर्कल को आप खुद से ड्रॉ करके देखना अपने कॉपी में अच्छे से, मैंने कैसे ड्रॉ किया, ऐसे रेडियस को बराबर करके ड्रॉ करना। ये डिजिटल पेन थोड़ा सा मुझे दिक्कत दे रहा है, नहीं तो अगर पेन होती तो सही से हो जाता। सो ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आपका जो है इस तरह से जो है ये ऊपर में लाई करेगा, कभी भी ये इसके नीचे लाई कर नहीं सकता है। ऐसे कराओगे अगर आप नीचे तो ऐसे रहेगा, तीसरा सर्कल फिर आपको यहाँ डालना पड़ेगा, समझ रहे हो आप? अगर आप ऐसे डालोगे,
ऐसे डालोगे तो पैरेलल लाइंस क्या होंगे, पैरेलल लाइंस ये होंगी, फिर इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर ऐसे डाला आपने तो इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। ट्राई टू सी द सॉल्यूशन, गो बाय द फॉर्मूला, वो भी ठीक है, बट हमेशा इस तरह से करना जो है सही नहीं होता एग्जाम में फॉर्मूला से, क्योंकि आपका टाइम लग जाएगा इसको करने में। जहां पे आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड ज्योमेट्री, और ये एक हैबिट है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोल दूंगा आप कर लोगे, आपकी जब तक हैबिट नहीं होगी इस तरह से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की, तब तक आप उसको इस तरह ट्राई नहीं करोगे। यू विल ऑलवेज गो बाय द मेथड। क्वेश्चन नंबर 98 करो आप लोग। अब फाइनल राउंड में लोग पहुंच गए, वी टुक 10 मिनट्स एक्स्ट्रा आई थिंक। जो लोग क्लास के बाद बच रहे हो वो बचना वहां पे भी, बीम मेरे एग्जिट करने के, यहाँ मतलब स्लाइड शेयर ऑफ होने के बाद भी आई नीड टू सी कितने लोग एक्टिव थे। ऐसा नहीं कि क्लास में बोला खत्म आप लोग देख करके निकल गए। सिंपल से आया क्वेश्चन नंबर 98, किसी का अगर नहीं हो रहा है तो बताओ, ऐसे जल्दी हो जाना चाहिए ये। -18 बी ऑप्शन इज द करेक्ट। सिंपल सी कॉन्सेप्ट है इसमें, आपको क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। एक वैल्यू दे रखी है वाई की, और ये एक फंक्शन है, और ये फंक्शन क्यूबिक फंक्शन है। क्यूबिक फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह का होता है, इस तरह का कुछ कर्व होता है, रैंडम शेप, जहाँ पे एक्स एक्सिस को 3 बार कट करेंगी या फिर एक जगह 2 बार कट करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट आर द रूट्स। सो यू नीड टू जस्ट पुट अ, एक पॉइंट दे रखा है आपको इस कर्व में, एक्स एक्सिस को ये -4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -4 मान लो यहाँ पे है, तो ये -4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो -4,0 जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, fx को, fx = 0 को। तो आप ये जो है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे क्या पुट करो, 0 पुट करो, y = 0 होगा -4 पे, x = -4 पे, क्योंकि वहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है कर्व। तो ये क्या हो जाएगा, 2 × -4³³ + 3 × -4² + c × -4 + 8, एंड दिस इज -4³ क्या होता है -64 × 2 - 128। एंड ये हो जाएगा प्लस 4 × 4 = 16 × 3 = 48 - 4c + 8, दिस इज 4c = 72। आई थिंक करेक्ट है ना, या करेक्ट। तो ये आपका आंसर, सॉरी ये एक सेकेंड, ये माइनस साइन ग्रेटर है ना, माइनस साइन यहाँ पे आएगा, ये दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 99 ट्राई करो, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इस पेपर का भी लास्ट क्वेश्चन है। परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर करेक्ट आंसर।
तो मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा लेट हो रहा है, आप भी ट्राई करो. ए एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू सी एंड पी एक्स माइनस ए वाई इज इक्वल टू सी. जब भी आपको पैरेलल, परपेंडिकुलर, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, टू पॉइंट ऐसा कुछ पूछ रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि कोई भी जो स्ट्रेट लाइन, दो स्ट्रेट लाइन होगी, वो दो पॉइंट पे कभी इंटरसेक्ट करती नहीं है. या तो वो एक पॉइंट इंटरसेक्ट करेगी या ओवरलैप करेगी या फिर इंटरसेक्ट नहीं करेगी. तो सी ऑप्शन तो कभी नहीं होने वाला है. अब देखते हैं क्या हो सकता है. तो पहले क्या करो, आप इक्वेशन को पॉइंट और स्लोप फॉर्म, वो स्लोप फॉर्म में लिखो, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाले फॉर्म में लिखो. तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से बी वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए एक्स प्लस सी. दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स प्लस सी बाय बी. ये आपका स्लोप हो गया और ये आपका इंटरसेप्ट हो गया. सी प्राइम कर दो इसको. उसी तरीके से आप दूसरे वाले इक्वेशन को लिखो, माइनस ए, माइनस ए वाई इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, माइनस बी एक्स प्लस सी. वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी बाय ए एक्स माइनस सी बाय ए, है ना. ये स्लोप मान लो M1 है, ये स्लोप M2 है. तो M1 into M2 क्या है, देखो माइनस ए बाय बी इंटू बी बाय ए, दिस इज माइनस वन. जब भी अगर दो स्लोप का प्रोडक्ट अगर माइनस वन होता है तो ये हम कहते हैं कि लाइंस आर क्या है, परपेंडिकुलर. और दोनों का अगर स्लोप अगर इक्वल है और इंटरसेप्ट अलग है तो हम लोग उसको कहते हैं लाइंस आर पैरेलल. तो यहाँ पे हम लोग को साफ दिख रहा है कि परपेंडिकुलर लाइंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है परपेंडिकुलर लाइन. तो ये वाला स्लाइड मैं शेयर कर दूंगा, अगर आपका कुछ छूटा हुआ है तो आप इसे देख लेना. ऐसे बहुत ही रफली ये लिखा गया है. कितने लोग बच रहे हैं मीटिंग में, 10 लोग बच रहे हैं. हेलो. हाँ भैया बोलिए. हाँ तो क्या है आपकी क्लास का रिव्यू, क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या चीजें चेंज कर सकते हैं, बताओ आप लोग. अच्छा भैया, कोई चीज चेंज करने का अभी जरूरत नहीं है, अच्छा ही है. आप में से जो भी मैथ पढ़े हो, मैक्सिमम लोग ये सब क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन रिवीजन का जरूरत है. हाँ, तो वही रिवीजन के लिए मेरे साथ बैठ जाओ रिवीजन करने के लिए, बस यही कॉन्सेप्ट था मेरा क्लास करवाने का, बाकी कुछ नहीं था. आप अकेले सॉल्व करते ही हो, बस मेरे साथ में सॉल्व करो, ठीक है, और तीन पेपर मेरे साथ सॉल्व करो. कुछ चीजें मे भी आपकी छोटी मोटी चीजें इम्प्रूव होंगी, अगर इम्प्रूव नहीं भी हो रही है तो कोई लॉस तो हो नहीं रहा है. डेढ़ घंटे बैठना है आपको बस, और बाकी आप सात पेपर सॉल्व करोगे. अगर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है एग्जाम में जो आपने नहीं पढ़ा है तो उसको पढ़ लेना. तो अगर आप 10 साल का अगर मैथ ऐसे लगा लोगे, आपके 20 क्वेश्चन एसक्यू कैसे ही हो जाएंगे, ठीक है, जहाँ पे आपको जीरो केमिस्ट्री की जरूरत है सीरियसली. तो बस यही है, बाकी अगर किसी को लगता है कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो. अगर किसी को लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया वो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, फिर कुछ कहना है किसी को तो बोल सकते हो, कैन और वी मे क्लोज द मीटिंग.